नमस्कार, मैं मीना गुप्ता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में साई चरित के अध्याय 8 का वर्णन किया है। आज हम आपको साई चरित के अध्याय 9 के विषय में पूर्ण कथा विवरण देते हैं। उससे पहले हो जाए साई का जयकारा, बोलिए सबका मालिक एक है। साई ईश्वर पर विश्वास है तो आप अपना रास्ता स्वयं आगे बढ़ाते चलेंगे और मुश्किल से मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। बस साई पर विश्वास रखना, साई की प्रार्थना दिन रात करें और श्रद्धा से करें, चिंता ना करें। यदि विश्वास से प्रार्थना की है तो अवश्य सफल होंगे। तो चलिए हम अध्याय 9 की कथा बतलाते हैं, जिसमें कि गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव, वह साई का वचन और रामनवमी के दिन उर्ष चंदन समारोह मेले का प्रबंध, उर्ष व रामनवमी का परस्पर समन्वय और मस्जिद का कायाकल्प, इन सभी कथाओं का पूर्ण विवरण है। सबसे पहले हम आपको बतला रहे हैं कि गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव व साई वचन। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुन जाता है, आँखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है, तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद की प्रतीति होने लगती है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो गुरु शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के निकट पहुंचने के 4 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, अर्थात अधिक कठिनाईपूर्ण है। परंतु यदि सद्गुरु पर श्रद्धा रखकर गड्ढों और खाइयों से स्वयं को बचाते हुए आगे अपने चरण पद चलाते सीधे अग्रसर होते रहेंगे अपने ध्येय की प्राप्ति, तो आपको अपने ध्येय की प्राप्ति अवश्य होगी और सफलता प्राप्त होगी। भक्तों के कल्याण के लिए श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों में आश्वासन दिया था, वे इस प्रकार हैं। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। जो मेरी पूजा करता है उसे कभी भी वस्त्रों का और अन्न का अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करें। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर से ही मांगें और ईश्वर को ही मांगें। सांसारिक मान व उपलब्धियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभय दान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों में कुमार्ग गामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में लगाओ। किसी पदार्थ के प्रति आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। अब हम बतला रहे हैं रामनवमी के दिन उर्ष। शिरडी के रामनवमी उत्सव का पूर्ण विवरण आपने साई लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ सार रूप में दिया जा रहा है। कोपर गांव में एक इंस्पेक्टर श्री गोपाल राव गुंड थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके 3 स्त्रियां थीं, परंतु संतान एक भी नहीं थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला तथा उर्ष भरवाना चाहिए। उन्होंने इस विचार को शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के सामने प्रकट किया। उन सभी को यह विचार बहुत अच्छा लगा तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। उर्ष भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम
कुलकर्णी पटवारी के आपत्ति करने से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी, परंतु पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरवाना निश्चित हुआ। ऐसा लगता है कि सोचकर ही बाबा ने स्वीकृति दी थी, अर्थात उर्स व रामनवमी उत्सवों के एकीकरण से हिंदू। अब कठिनाई जल के अभाव की थी। गाँव में केवल दो ही कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का जल खारा था। बाबा ने खारे कुएं में पुष्प डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था, इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव के एक मित्र दाशु अन्ना काशार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोलकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गाँव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम आज भी पूर्ववत जारी है। चंदन समारोह। यह समारोह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की उपज थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में किया जाता है। बहुत सा चंदन घिस कर और बहुत सी चंदन धूप थालियों से भरी जाती थी तथा लोहान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रारंभिक 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्म पत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ निकाला जाने लगा। यह परंपरा आज भी यथावत जारी है। आज हमने साईं चरित 9 के अध्याय को आधा बतलाया है और अब हम साईं चरित के अध्याय 9 का आधा भाग अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। साईनाथ ओम श्री साईनाथ।